सो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारी ट्यूब्स में क्या प्रॉब्लम है, उसमें जो ब्लॉकेड है वो किस कारण की वजह से है। इफ़ द ट्यूब्स आर हैविंग हाइड्रोसैल्पिंग्स, दोनों ट्यूब फैली हुई हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, तो ऐसी ट्यूब्स में हम नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, बिकॉज़ ट्यूब की इनर लाइनिंग डैमेज हो गई है। हम कुछ भी कर कर उस ट्यूब की लाइनिंग को वापस नहीं ला सकते, या मेडिसिन या सर्जरी के थ्रू ट्यूब को ठीक नहीं कर सकते। बट अगर ट्यूब में ज़्यादा पानी भरा हुआ है, ज़्यादा रिटॉर्ट शेप्ड हाइड्रोसैल्पिंग्स हैं दोनों साइड, तो ऐसी ट्यूब्स को लैप्रोस्कोपिकली क्लिप कर देना या बायलैटरल सेल्पिंजेक्टमी कर देना ही एडवाइजेबल होता है, जिससे कि इसके बाद अगर हम आपका IVF के ज़रिए प्रेगनेंसी करना चाहें तो वो ट्यूब का जो गंदा पानी है वो यूट्रस में पुश ना हो और हमारा IVF फेल ना करे। तो अगर कोई पेशेंट बायलैटरल हाइड्रोसैल्पिंग्स के साथ आते हैं तो हम उनको लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल क्लिपिंग या सेल्पिंजेक्टमी की एडवाइस देते हैं और उसके बाद IVF के ज़रिए उनकी प्रेगनेंसी कराते हैं। अगर किसी पेशेंट का फेलोपियन ट्यूब्स स्कार्ड हैं TB की वजह से या क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से, ट्यूब फाइब्रोज हो गई हैं और वो दूरबीन के ज़रिए भी हम उसको खोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे पेशेंट को हम IVF की सलाह देते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनमें खाली ट्यूब एंड से ब्लॉक्ड है, फिम्ब्रिए से ब्लॉक्ड है, उसमें हम फिम्ब्रियोप्लास्टी लैप्रोस्कोप के ज़रिए दूरबीन से ट्यूब को ठीक कर सकते हैं। फिम्ब्रियोप्लास्टी कर आपकी ट्यूब खोल सकते हैं।